फीमेल सेक्शन। All Madrasi setup. तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हैं एक बार फिर से देवी अहिल्या भाई होलकर की पावन नगरी इंदौर में। आप सभी को मैं लेके आया हूं एक ऐसी छत पे जिनका नाम इंदौर में बहुत ही मशहूर कबूतर पर्वरों में से एक में लिया जाता है। जी हाँ भाइयों, हम लोग खड़े हुए हैं राजवाड़ा में। सोनू भाई बर्तन वाले के नाम से फेमस ये छत है, जो कि कई ऐसी बाजियों में इतिहास का हिस्सा बनी, जो कि बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा इंदौर के कबूतर परवरों के दिमाग में छपी। तो हम लोग खड़े हुए हैं सोनू भाई बर्तन वालों इनकी छत पे। ये इनके मद्रासी कबूतरों का सेटअप है, पंजाबियों को आपने नीचे देख लिया, ब्रीडिंग वाले पेयर्स और भी मद्रासी नीचे हैं। मतलब ये हम लोग चार मंजिला इमारत के ऊपर खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल, और यहाँ पर उनका ये पूरा सेटअप है। और यहाँ से मैं आपको ये पूरे इंदौर का एक छोटा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये बड़ी ही व्यस्त जगह है इंदौर का। ये प्रॉपर जूना मार्केट यानी कि पुराना मार्केट में से एक मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं बर्तन बाज़ार में। यहाँ पे सराफा है, कपड़ा है और तरह तरह चीज़ें हैं। तो ये हम लोग आपको इंदौर की छोटी सी एक झलक दिखा रहा हूँ। बड़ा ही विकसित हो गया है अभी इंदौर, बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन रही हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर। तो हमारे साथ आज सोनू भाई तो नहीं, लेकिन मोनू भाई अवेलेबल है, जो कि मोनू भाई का शौक है पूरा और सोनू भाई का भी है। तो मोनू भाई से हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलते हैं हम सीधा मोनू भाई के पास। तो ये है ब्रीडिंग वाले कबूतरों का सेटअप, ये देख लीजिए। यहाँ पे है ब्रीडिंग वाले, ये एक सेटअप नहीं है, इसके नीचे भी एक सेटअप है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे कबूतर है, ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं छत के मालिक मोनू भाई से, फिर आगे की बात उनसे की जाए और आपको उनसे मिलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ अभी अवेलेबल है मोनू भाई। मोनू भाई सरनेम मोनू राहिंज भाई अभी अवेलेबल है। वैसे तो इस छत को सोनू भाई बर्तन वालों के नाम से फेमस है ये छत। तो सर ये सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, सन्नी भाई को तो पूरा वर्ल्ड पहचान रहा है आजकल। सन्नी भाई आपके लिए बहुत सारे फ़ोन आज भी आते हैं, और आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया रही जब यूट्यूब पे आपका नंबर गया, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? बड़ी दिली खुशी हुई मुझे। दिली खुशी हुई और कबूतरबाजी के शौक में जी इतना आगे बढ़ाया है वो जी किंग विजन के थ्रू। जी सर, आपका नंबर डलने के बाद कैसे मजे आए फिर आपको? मतलब पूछो मत साहब, तोबा तोबा करूँगा। बहुत फोन आए, काफ़ी फोन आए हैं जी। ना दिन होती है ना रात होता है जी, जिसकी जब इच्छा होती है तब फोन लगाता है, उसको पूरा फुल रिस्पांस देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। क्या बात है, व्यूअर्स है जी जी जी, दुखी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गुडविल से बात करना पड़ती है जी जी जी। सर क्या बोलना चाहेंगे मोनू भाई के बारे में, पहले आपसे जानना चाहेंगे फिर उनसे उनके बारे में जानेंगे हम। मोनू भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं जी, और इनसे भी एक बड़े भाई साहब हमारे सोनू भाई साहब जी जी जी। बड़े भाई साहब मतलब बड़े मतलब वरिष्ठ हमारे जी जी जी, आदरणीय हो गए जी। और कबूतर परवरी के बारे में क्या बताएंगे इनकी? कबूतर भाई तो अभी आप आगे शौक देखिए इनका, क्या बात है माशाल्लाह। शब्दों का बयान नहीं करेंगे जी जी जी, सीधा लाइव लाइव दिखाएंगे जी जी। तो मोनू भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके छत पे इनवाइट किया मुझे, और मेरा सौभाग्य मेरा कि भाई किंग्स पिजन आप जैसे शौकीनों को हम लोग दिखा पाते हैं लोगों को, और लोग आपसे ही सीखते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जित भाई आप वीडियोस जब डालते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप जैसे लोगों का ही, आप जैसे भाइयों के कारण ही बहुत सारे लोग सीखते हैं। तो सर अभी इंदौर की कबूतर परवरी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, लेकिन आप सोनू और मोनू ये दो नाम इंदौर में बड़े ही वरिष्ठ लोगों में से एक में लिए जाते हैं, बहुत साफ़ सुथरी कबूतरबाजी होती है। सर कितने सालों से कर रहे हैं शौक आप? सर देखिए हमारा तो बचपन से शौक हुआ ही जी, बाकी अभी मैंने तो खुद रिसेंटली 4-5 साल हुए मुझे शौक में आते हुए जी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्या बात और है, और आपके माध्यम से किंग पिजन परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। भी करीब कबूतर शौकीन है सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद जो मेरे को आज यहाँ तक लेके आए हैं आप। जी 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 जी। सर तो कहाँ से हुआ ये, शुरुआत कहाँ से हुई कबूतर परवरी? दोनों भाइयों को शौक, सर घर में एक को होता है शौक? देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे अंकल थे जी, तो किसी टाइम में आज से करीबन 40-45 साल पहले की, देखिए शौक की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे अंकल के टाइम से हुई थी जी, और हमारे अंकल बहुत शौकीन थे किसी टाइम में जी, और 45 साल के आसपास हो गए, 45-50 साल के आसपास हो गए इस शौक को करते हुए। अच्छा। धीरे 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 सोनू भाई जो इस शौक में गए, होता है कि बाप दादाओं से शौक बच्चों में आता है जी, तो फिर ये शौक बढ़ते 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 सोनू भाई को बहुत अच्छी तरीके से सीखा समझा परखा, और ये कबूतर जब से आज तक हमारे घर पर है, और काफ़ी इससे बरकत भी है हमको। क्या बात है, काफ़ी शौक भी हमने इसका रखा हुआ है जी। सर बहुत सारे धर्मों की अगर हम लोग बात करें तो अभिप्राय ऐसा है कबूतरों को लेकर कि भाई कबूतर ये गलत चीज़ है, बच्चों को नहीं डालना चाहिए, इससे घर में ये होता है, और कबूतर जिसके छत पर रहा वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सर आपका तो मैं बिज़नेस देख रहा हूँ नीचे बर्तन की, बहुत भव्य दुकान है आपकी राजवाड़ा जैसी जगह में, क्या सर इन कबूतरों के कारण आपको कभी आपके बिजनेस में लॉस हुआ? ये अलग थोड़ा टॉपिक है। मैं इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहूँगा आप सबको और सभी भाइयों सुने इस बारे में कि कबूतर रखने से कोई लॉस कोई फ़ायदा ऐसा नहीं है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके दिमाग में डलेगा और वैसे काम चलेगा। क्या बात, हमको तो काफ़ी मुनाफा हुआ है, हम तो दिन पे दिन तरक्की करते जा रहे हैं इस शौक में। क्या बात है ना, शौक में भी करते जा रहे हैं, कामकाज में भी करते जा रहे हैं जी जी। और आप भगवान की दया है आप शायद बता सके व्यूअर्स को, तो नीचे का हमारा शोरूम भी जी जी जरूर बताएंगे सर जाते जाते। क्रॉकरी इंदौर के नाम से शोरूम है ये मेरा जी जी, और अंबर बर्तन के नाम से बर्तन का शोरूम है जी जी जी। तो पता चलेगा लोगों को कि अच्छे लोग भी इसमें बहुत सारे जुड़े हैं, हम नहीं काफ़ी अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी जी जी, और अच्छे लोगों का भी शौक है। तो सर ये आपका मतलब खानदानी आपको शौक है, ये खानदानी शौक है, आपके पिताजी भी करते थे शौक? जी हाँ, मेरे पापा करते थे, मेरे अंकल करते थे। क्या बात है सर, अब आपके बच्चे करें, आपको लगता है ऐसा कि आपके बच्चे भी करना चाहिए? देखिए हमारा बच्चा आया हुआ है, शौक करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, अच्छा धीरे धीरे इसमें लगन है। तो सर करेगा, बिल्कुल करेगा सर। एक राजा होता है वो हमेशा चाहता है मेरी गद्दी पे मेरा बेटा बैठे, वो उसकी दिली ख्वाहिश होती है। सर कबूतरबाजी में क्या लगता है कि आपको कबूतर परवर ऐसा सोचे कि मेरी गद्दी पे मेरा बेटा बैठे? क्यों नहीं, अगर आपके पास कबूतर अच्छे, आपके पास हुनर अच्छा है, आपका शौक अच्छा है, शौक अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली
बच्चों का रुझान उसकी तरफ जाता है जी। पर लोग सर बोलते हैं कि बच्चों को इस चीज में नहीं डालना चाहिए, गलत चीज है। बच्चों को देखिए सभी शौक होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, अपनी जगह है, काम काज अपनी जगह और शौक अपनी जगह है। जी जी, बच्चे भी शौक कुछ तो करेंगे, सही बात है, या तो गुल्ली डंडा खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे। उससे अच्छा है कि कुछ ऐसे काम करें जो उनके बाप दादा करते आ रहे हैं। क्या बात है। और इसमें एक चीज की बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है, जहाँ तक मैंने देखा है, ना हिंदू ना मुसलमान जी, ना सिख ना ईसाई, इस शौक में सब भाई भाई हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये ही मेरे को शौक बहुत अच्छा लगा कि सब लोग भाई भाई हैं आपस में। जी जी, बहुत सारे हम लोग खेलों की बात करें उसमें हो जाता है थोड़ा बहुत धर्म जाति को लेके, सभी तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की सोच है, लेकिन कबूतर परवरी ही एक ऐसा शौक है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक बात सोचते हैं। ये शौक तो हमने देखा, जैसे हमारे अशरफ भाई हैं जी, आप इनको देख रहे हैं, ये बचपनों से सोनू भैया के दोस्त रहे हैं। क्या बात है। और कबूतर भाई इन्होंने और उन्होंने दोनों साथ में करी है। क्या बात है। तो आज भी कबूतर ये संभाल रहे हैं हमारे यहाँ के, और मतलब बचपन हो गया हमारे को इनके संग रहते रहते। क्या बात। छोटे से बड़े हो गए, हमने क्रिकेट साथ में खेला, कबूतरबाजी साथ में हो रही है, दुकानदारी भी सब साथ में कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब फैमिली, हाँ फैमिली जैसा बिजनेस होता है वैसे फैमिली शौक भी हो रहा है। जी, हमारे पारिवारिक संबंध भी है सभी लोगों से, बहुत सारे लोग हैं इंदौर के, बड़े वरिष्ठ लोग हैं। सर इंदौर के कबूतर परवरी के बारे में बताइए सर, आप कैसा हो रहा है। काफी अच्छा शौक होता है यहाँ पर, सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं यहाँ पर जी, और सब मिलनसार लोग हैं इंदौर में। तरक्की तो सभी में है, भाईचारा बहुत है आपस में। जी जी, यहाँ पे मन मुटाव नहीं है किसी बात को लेके। जी तो सर आपने तो शागिर्दी भी ले रखी है मम्मू उस्ताद पार्टी से। जी, आप जी, आप मैंने खुद ने अपनी शागिर्दी ली हुई है मम्मू उस्ताद जी पार्टी से। जी जी जी, और मैं उनका बख्तियार खलीफा हूँ इंदौर में। हाँ इंदौर से। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। कम शौक होने की वजह से थोड़ा शौक को इतना बढ़ावा नहीं दे पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ज्यादा रुझान मेरा दुकान पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, बहुत सारे लोग सब काम धंधे छोड़ के कबूतर परवरी करते हैं, उनको क्या बोलेंगे सर आप? जैसे आपका रुझान दुकान पे है, उनका रुझान पूरा कबूतरों पे होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगा उनको शौक अपनी जगह है और काम काज अपनी जगह। जी, पहले आप महत्व काम काज को दे, फिर अपने शौक को दे। जी सर, आप कब से सक्रिय हुए कबूतरबाजी में? कि मेरे को तो अभी रिसेंटली 4-5 साल हुए हैं जी मुझे। जी, और मेरे भाई तो बचपन से लगे हैं इस काम में, शौक में। जी तो सर, ऐसी कोई ऐसी बाजी या ऐसा कोई टूर्नामेंट जो हमेशा आपके दिमाग में घर कर गया हो, ऐतिहासिक, जो हमेशा याद रहेगा आपको? देखिए मुझे तो जो ध्यान है, मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट ईयर ही हमारी 51 कबूतरों की बाजी लगी थी जी, जो कि उड़ नहीं पाई किसी कारणों से, कुछ वजह रही होगी जी, मुझे जी। तो पता नहीं, मैं छोटा हूँ थोड़ा घर में जी। तो वो कबूतरबाजी के शौक मैंने ही करा था, मैंने कबूतर पहली बार अपने जीवन में उड़ाए थे, इतने कबूतर, 51 कबूतर पूरे, मैंने 51 कबूतर उसी दिन छोड़े भी थे छत से, सबको दिखाया भी था, कि अपना शौक बताया कि भाई हम शौक कबूतरबाजी का कर सकते हैं, और कराए। क्या कितने, क्या टाइमिंग रहा सर कबूतरों? देखिए उस दिन हमारे कबूतर 4:30 के बाद बैठना चालू हुए थे, 4:30 गर्मियों की बात बता रहे हैं, गर्मियों की बात बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर की बात है ये। क्या सब लोगों ने देखा था वो शौक, बहुत बढ़िया। काफी यहाँ पे मेरे ख्याल से 70-80 लोग आए हुए थे, शौक भी करा, मजा भी आया उनको, थोड़ा एक अच्छा शौक दिखाया मैंने। सर कबूतर परवरी में आपको ऐसी कौन सी चीजें जो लगती है कि नहीं होती तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं होती इन द सेंस सर, यानी कि आपको लगता है यार कबूतर बाज सब प्रॉपर है, लेकिन ये चीज़ अगर नहीं होती तो हम और ज़्यादा उन्नत होते हैं। हाँ वो बताता हूँ मैं आपको, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातें कर जाते हैं कभी कभी इस शौक में जी। एक तो मन मुटाव नहीं रखे किसी से, कोई सब भाई हैं तो भाई जैसा रहे जी। इसमें मैंने एक चीज़ गौर करी है, बहुत शौक में देखा है मैंने कि सामने तो आपस में भाई बोलते हैं भाई लोग, बाकी पीठ पीछे भी खुरा को छुरा घोपने वाला काम करते हैं। अच्छा। जो मैंने महसूस करा है अभी तक जी जी, क्योंकि हमने ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी उड़ाया लास्ट ईयर, उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा दल बदलते हैं, अपनी बातों से फिर जाते हैं, मतलब मुंह पे राम बगल में छुरा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हमने तो ऑल इंडिया कराया हुआ है लास्ट ईयर, और मैंने भी उसमें इंटरफेयर करा था, काफी जगह में जज बन के गया था, काफी शौक को बढ़ावा भी दिया हमने, टूर्नामेंट भी अच्छा कराया, उसका प्रोग्राम कराया था, उसमें भी हमारे युवराज भाई आए थे, युवराज उस्ताद जी गुजरात से, और काफ़ी लोग आए थे, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे शौक को आगे बढ़ाया और जो बढ़ाते रहेंगे। जी 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 जी। तो सर अभी पहले कबूतर परवरी और अभी की कुछ परवरी में कुछ फ़र्क लगता है आपका? तो बहुत, मतलब आप बोल रहे हैं 4-5 साल से आप सक्रिय हुए, लेकिन आपके डैड के टाइम पे भी आप देखते होंगे ना कबूतर, हाई फ्लायर्स कबूतर? उस समय ये होता था कि हमारे पास आसमान वाले कबूतर हुआ करते थे शुरू में। अच्छा, ये मुझे पता है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं उस बारे में, क्योंकि मैं आते ही था, बहुत कम थी। सर इतना बिजी शेड्यूल, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़े कामकाज के बाद में सर कबूतरों को टाइम कैसे देते हैं सर? नहीं निकालना पड़ता, देखिए कबूतर हमारे यहाँ बचपन से रहे, क्योंकि हमारा जो पापा का शौक, अंकल का शौक रहा है इसके अंदर,
तो हमारा शौक तो बचपन से है इसके अंदर, तो अभी दे 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 टाइम, दो चार घंटे इनके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है। हाँ, हमको लगता है कि ये है हमारे घर में, तो हम आगे तरक्की कर रहे हैं इन्हीं की वजह से, लग रहा है हमको। क्या बात है। तो भाई ये है सोनू भाई, इनकी बातें आपको हम लोगों ने बताई। अभी हम लोग इनके कुछ कबूतर, चुनिंदा कबूतर आपसे हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं। तो चलते हैं लॉफ्ट के अंदर और देखते हैं कुछ कबूतर, जो अच्छे कबूतर जिन्होंने परवरी करी अभी। तो माशाल्लाह वैसे तो सारे ही कबूतर अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ चुनिंदा जो आपको टॉप लगते हैं हमेशा से। सर ये भी पंजाबी कबूतर है जो सामने है। क्या भाई, ये तो बिल्कुल सर पाकिस्तानी, जो टैडी, ये वैसे वैसे स्ट्रक्चर का कबूतर दिख रहा है भाई। भी बताऊंगा आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये भी वैसे ही। अच्छा, देखते हैं कुछ कबूतरों को। क्या बात है। एक्चुअली मोनू भाई की अभी तबीयत खराब है, प्लेटलेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, थोड़ी सी स्वास्थ्य गरम गरम होने की वजह से। आप चोच ये देखिए भैया, सर इनकी उड़ान के बारे में बताइए सर। कबूतर देखिए, ये 8-9 घंटे आराम से अपने आप उड़ जाते हैं। क्या बात, पंख दिखाइए सर इसके। हाँ, पंख। तो ये कबूतर के पंख हैं, ये देख लीजिए माशाल्लाह, ये पूंछ, पंजे दिखाइए सर इसके। क्या बात, पूरे काले पंजे हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ये इनका टाइमिंग 7-8 घंटों का रहा है आपके। हाँ, हाथों पे देखिए, अधिकतर ऐसे कबूतर आपको आसमान वालों में देखने जी को जी मिलते जी जी। ये कलमू है कबूतर बोलते हैं, कोई फुलसरा बोलते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी पुश्तैनी ब्रीड है। ये नो। हाँ, लो फ्लायर ही है ये। जी जी, लो फ्लायर है ये पूरे। मेरे वहाँ हाई फ्लायर में सिर्फ एक कबूतर है जो मेरा पसंदीदा है, वो बताऊंगा मैं आपको। जी जी जी, बाकी सारे लो फ्लायर कबूतर है मेरे यहाँ। क्या बात है, ये बताइए सर ये कौन सा है। ये देखिए आप, ये लाल चीनों में से, बहुत बड़े इसके पर झड़े हुए हैं ना। हाँ, आंख दिखाइए सर इसकी, आंख, एक मिनट कितनी चोंच चोंच, ये इसकी आंख है। क्या बात है, पंख दिखाइए सर इसके। अच्छा, देख लिए पंख, तो पंजे। ये सारे कबूतर 7-8 घंटे। जी जी, मौत, क्या नाम है इसका, हरी आंख का कबूतर है, ग्रीन आइस। देखिए आप एक, क्या बात। सुन सनी भाई, इसकी आंख जरा दिखाना इधर से, थोड़ा उजाले में दिखाइए इसके। या ये है ग्रीन आइस का कबूतर, बहुत शानदार। मोनू भाई इनमें भी वही उड़ान है। जी हाँ, ये सब वही उड़ान वाली बता रहा हूँ जो 51 कबूतर में उड़े थे ना लास्ट ईयर। जी जी जी, ये वही सब कबूतर। क्या बात है, बहुत शानदार। इसको छोड़िए जरा, यहाँ पे इसके खड़ान देखेंगे। बिल्कुल कबूतर रुकने के लिए तैयार। ये देखिए आप, ये भी, ये भी कासनी। क्या, ये भी पंजाबी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, बड़े अद्भुत कलर के कबूतर हैं भाई ये। इनकी आंखों पे भी गौर करिए आप। सरी भाई मैं चाहूँगा आपकी थोड़ी हेल्प मिल जाए मुझे। क्या बात है, गहरी आंखों का कबूतर, बहुत शानदार पंख। छोड़ दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है ये तो। हाँ सर जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट। क्या बात सर, ये तो पूरे हाई फ्लायर्स कबूतरों में, हाई फ्लायर्स कबूतरों में ये कलर आते हैं सारे, ये पंजाबियों में भी आते हैं। जी जी जी, हमारी सब पुरानी पुश्तैनी ब्रीड हैं सारी। क्या बात है, वाह, गोल्डन आइस का कबूतर है, बहुत शानदार। पंख दिखाइए सर इसके, ये बढ़िया, ये खड़ा, ये देखिए भाई खड़ा। क्या बात है जी, देखिए कितना छोटा और चूड़ी में से निकाल लो आप ऐसा कबूतर। सर अभी यही कबूतर, इसी मतलब इसी तरह का कबूतर 8:08 तक रात को हमारे पास, ये भी हमारे यहाँ 9:30 घंटे उड़ा है लास्ट ईयर। क्या जो आपको बताया ना, मैंने 51 कबूतरों की बाजी थी, बाकी हो नहीं सकी वो बाजी। बहुत प्यारी जूमिंग है आंखों की। सर इसकी मुझे आप दिखाइए पंखों की, इसकी लेंथ दिखाइए मुझे पंखों की लेंथ।
क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये पंजाबी कबूतरों का हम शौक करा रहे हैं आपको, सोनू भाई बर्तन वाले इनके घर के। मोनू भाई अभी हमारे साथ अवेलेबल है, सोनू भाई नहीं है अभी हमारे साथ जी, इसको छोड़ दीजिए सर, खड़ा दिखाएंगे। एक ये देखिए क्या बात है, ये देखिए भाई कबूतर जी। सर ये इतने बड़े साइज वाले कबूतर, ये हाँ। इनको बाज बेरी मारती नहीं इनको? नहीं 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 नहीं, ये तो बच के निकल आते हैं कहीं से भी। क्या बात है, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मद्रासियों जैसा दिख रहा है। क्रॉस है मद्रासी पंजाबी से। अच्छा क्रॉस है ये। क्या रिजल्ट रहा सर ये क्रॉस होने के बाद में कबूतर का? बोलते रहो मैं आपको, 9.5 घंटे अब इसको ब्रीडिंग में डाला हुआ है ना, इसको ब्रीडिंग में डाल दिया। आप बहुत बढ़िया, लास्ट ईयर 9.5-8.5 घंटे सारे ही बड़े थे तो दिखा देगा आप कमेंट्री करोगे। ये भी उड़े हुए हैं? हाँ ये सब वही जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये 51 कबूतरों में जो उड़े थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, खट्टी आंखों का कबूतर है। सारे कलर मिल जाएंगे आपको, सारी आंखें मिल जाएगी हमारे पास। क्या बात, पंख दिखाइए पंख। अभी सारे झड़ती में, ये सर्दी की उड़ान नहीं उड़ाते हैं? सर्दी में हमारे मद्रासी उड़ेंगे इस बार। उड़ेंगे हाँ। क्या बात, ये भी पंजाबी कबूतर है। खड़ान देखिए भाई कबूतर, सबकी खड़ान दिखाएंगे लास्ट में। सर ये घर की ब्रीड है सारी? हाँ ये सारी घर की ब्रीड है। ओहो क्लास, बहुत शानदार आ गया ये पंख, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप कासनी जी, ये भी वही मतलब सब 9-10 घंटे वाले हैं। हाँ ये सब वही टाइम लेते हैं। क्या बात, 9.5-10 घंटे 8.5 घंटे कचप, खट्टी कच्ची कच्ची आंखों का कबूतर। ये जो लास्ट आपने कासनी देखा था ये उसी का भाई जी, ये एक ही नस्ल के हैं सारे। बहुत बढ़िया, किस टाइप के आप जितने भी देख रहे हैं 9-10-11 कबूतर ही हैं, सब एक जैसे बने हुए हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। सभी एक ही ब्लड लाइन है, एक ही ब्लड लाइन सब वही आ रही है अभी, ये भी उसी ब्लड लाइन में से एक है। क्या बात, पंख दिखाइए सर, अभी कबूतर झाड़ पे, इसके लिए पंजे हाँ। दिखाइए इसके, एक मिनट जरा इसके पंजों का शौक करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुलाबी पंजे, सुर्ख गुलाबी खुश्क। ये देखिए पंजे, पंजे दिखाइए, देखिए इसी का भाई एक और। मेन ब्रीडिंग पेयर्स वो नीचे है शायद, है ना? हाँ वो नीचे। या क्या बात, ये थोड़ी अलग नस्ल आई आपकी। ये अलग है, खट्टी आंखों का। इनमें भी वही उड़ान है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सभी आप उन्हीं उड़ान में उसे देख रहे हैं। झाड़ पे है अभी कबूतर, पूरे पंख झाड़ रही है, 10 फीट ला रहा है कर लिया। सभी झाड़ पे छोड़ दीजिए, क्या बात है, ये लाल छीना एक। क्या बात, बहुत प्यारे कब। सर ये सारे छतरी के लगे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे छतरी के लगे हुए। और हमारे यहाँ के जो मद्रासी है वो भी सब छतरी पे लगे हुए हैं। छतरी पे ही सारे छतरी पे लगे हुए मद्रासी।
देखिए ये शॉक करिए सर, पंजाबी कबूतर में कोई ड्रॉबैक नज़र आता है आपको? हर कबूतर में ड्रॉबैक है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरा मुकम्मल है? मद्रासी भी है आपके पास, पंजाबी भी है, क्या फ़र्क लगता है दोनों में, मेजर फ़र्क क्या लगता है? जी मुझे यहाँ तक लगा है, मैंने यहाँ तक समझा है, पंजाबी जो है वो गर्मियों के राजा है। अच्छा हाँ, और मद्रासी ठंड के राजा है, बादशाह है ठंड के। अच्छा हाँ, लेकिन सर जो पंजाबी पाल लेता है वो मद्रासी को सही नहीं समझता है, जो मद्रासी पालता है पंजाबी को समझता है। इसीलिए दो साल से मद्रासी भी पाले हुए हैं। अच्छा, ताकि हम ठंड में मद्रासी को लेके शौक करें। अच्छा, लेकिन क्या लगता नहीं आपको कि ठंड में मद्रासी कबूतर जो है पंजाबी कबूतर नहीं उड़ सकता? और ऐसा क्यों है आपका सोचा है? उड़ता है, कुछ घंटे कम गिरता है बस, और कुछ नहीं होता फर्क इतना। गर्मी में मतलब पंजाबी जो उड़ेगा वो मद्रासी नहीं उड़ पाएगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगा है। जी जी जी, आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ठंड के अंदर देखेंगे तो अपना जो रहेगा मद्रासी कबूतर, पंजाबी कबूतर एक डेढ़ घंटे कम गिरेगा, मतलब पहले ही बैठ जाएगा, पर मद्रासी चलता रहेगा। और मद्रासी चलता रहेगा, क्या बात है। और गर्मी में उल्टा होता है कि एक बार आपका मद्रासी बैठ जाएगा बाकी पंजाबी चलता रहता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक ये देखिए जो सफ़ेद आप देख रहे हैं, ये दो भाई थे, 11.5 घंटे 12.5 घंटे उड़ाए थे इन्होंने, सबसे आखिरी में बैठे थे ये दो भाई। क्या बात है, बहुत प्यारी आंखें। और ये घर की बैठे हैं दोनों। क्या बात है, पंख भी बहुत शानदार। एक वो जो वाइट कबूतर है वो भी बहुत शानदार थोड़ा अपन, बहुत शानदार। एक ये वाला देखना, या क्या बात, ये भाई चीज़ है, ये प्योर मलवई। हाँ, ये प्योर मलवई में से है। और दोनों भाई थे अभी जो आपने लास्ट देखा था उसका भाई है, 11.5-11.5 घंटे बाद बैठे थे ये बच्चे। और ये घर की ब्रीड है पूरी। क्या बात, पंख दिखाई, इसके पंजे दिखाई। अच्छा, पैर मोज नली बंद है। हाँ, ये देखिए आप, क्या बात है, प्योर मलवई में से ही, बहुत शानदार। बहुत अच्छे पंखे, एक ही भी शॉप करिए सर। आपका फेवरेट हर किसी के छत पे उसका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है सर, आपका क्या फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो आसमान वाला है, अभी आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, वो आपका फेवरेट है? जो इसकी पूरी छत के अंदर जो एक कबूतर रखा हुआ है आसमान वाला, वो मेरा फेवरेट कबूतर है, इसलिए वो आज तक यहीं पे रखा हुआ है। सर क्यों ऐसा फेवरेट है आपको? क्या पता, बस मेरा दिल लग गया था उससे, तो अभी भी लगा हुआ है। हाँ, अभी भी लगा हुआ उससे। क्या बात है, कबूतर देखिए भाई आप, बाबू नीचे से बोला ना, बड़ा पंजे दिखाई सर। ओहो हो, क्या बात, बहुत शानदार गजब।
पता सागर है भाई, जितना आप निकालते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा। सारे कलर मिल जाएंगे आपको, सारी आँख, सारे कलर, सारी जातियाँ प्रजातियाँ सब मिल जाएगा यहाँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सर ये छठे हुए कबूतर हैं, मतलब आए कितने होंगे फिर उसके बाद ये जो छठे हुए, मतलब आए नहीं सब, ये घर के बेटे, ज्यादा नहीं आए थे। अच्छा, आए तो मेरे ख्याल से 30-35 कबूतर थे, उसमें से बच्चे निकाले गए। क्या बात है, हाँ बहुत शानदार। ये वो क्रासनी, फिर क्रासनी सर, मतलब क्रासनी की ब्लड लाइन जो है ये मेन है मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, ये दो जोड़े हैं जिनके बच्चे हैं सारे। क्या बात। और आपका क्या फेवरेट है छोटू? मेरा ये। क्यों ऐसा, क्यों फेवरेट है आपका ये? क्योंकि इसके पंजे पर, हाँ बहुत अच्छे हैं, उड़ान अच्छी है। क्या बात है सर, ये बनेंगे 100% कबूतरबाज। इसको शौक है, बचपन से आता है ये शौक में। सर अभी बचपन चालू ही हुआ है। बचपन से ही आते रहता, छोटा था जब से इसको शौक था जी। ये देखिए भाई कबूतर, खड़ान दिखा रहे हैं आपको हम लोग। लगभग 32 मिनट की के आसपास हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरा है अभी कबूतरों को देख के। तो ये दो कबूतर दिखाने के बाद फीमेल्स देख लेंगे हमको। जी जी बिल्कुल। कुछ कमाल की फीमेल्स भी है अंदर, कर दीजिए इनको, इनको अंदर जाना, चल जाती है। ये फीमेल्स दिखा रहे हैं हम आप सबसे पहले। फीमेल में आप जो देख रहे हैं ना, ये भी 11.5-12 घंटे उड़ी भी है। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, घर की बच्ची है। हाँ ये घर की बच्ची है। अच्छा पंख दिखाओ उसके। हाँ इसका बाप तो मर गया है। हाँ देखिए अभी भी इसमें कलर लगा हुआ है इसके पंखों में, देखिए लास्ट ईयर जब उड़ी थी। अभी तक कलर है इसमें। पंजे दिखा दे। सर कैसे होना चाहिए पंजाबी कबूतर के पंजे, कैसे होना चाहिए इसमें पंजे, कैसे होना चाहिए, मोटे होना चाहिए, पतले होना चाहिए? क्या बात है। इसको बहुत शानदार यार, क्या बात है। क्या बात, ठीक। इनमें वजन ही नहीं है, इनमें वजन ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। नंडे होते ना कुछ होते हैं उसके, नर में भी छोड़ दिया, मादी में भी छोड़ दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। अंडे नहीं देती है, मतलब पता ही नहीं नर की मादी, नर की मादी पता नहीं, सिर्फ उड़ान है। हाँ सिर्फ उड़ान है उसमें, उड़ने के लिए बनाई है सर। क्या बात है, इसका वजन ही नहीं है कुछ, हाथ में ले रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कबूतर। खट्टी आँख सर, ये वही कासनियों में की बहन दिख रही मुझे। हाँ ये उन्हीं में से जी, देखिए एक मेरे हाथ में ही बताता हूँ आपको मैं जी। ये देखिए अभी भी कासनी उन्हीं में से। क्या बात, अधिकतर आपको ब्लड लाइन में से वही उसनी उन्हीं में से मिलेगा, कासनी में से। तो इनमें सब आँख बनती है, काली सफेद पीली सब सब आँख में आ जाता है। ये सफेद जर्चों में से गजब।
अभी वीडियो का सत्र बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सारी फीमेल्स बाहर ही खुलवा लेते हैं। हाँ, एक साथ खुलवा लेते हैं बाहर, सभी का एक साथ शोक कर लेते, छोड़ दीजिए। तो ये देखिए भैया, ओवरऑल हमने सारे मादिनों को बाहर निकाल दिया है यहाँ पे, और ये आप पूरी तरह से इस तरह से शोक कर लीजिए। कबूतरों के स्ट्रक्चर ही कबूतर की कहानी बताता है, ऐसा बड़े बड़े उस्ताद बोलते हैं कि भाई कबूतर की ज़मीन ही बताती है कि कबूतर कितना पुख्ता है। ज़मीन इन द सेंस कि कबूतर की खड़ान जो होती है वो बताती है कि कबूतर कितना पुख्ता है। ये देख लीजिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको इस तरह से कबूतर यहाँ पे सारे, ये देख लीजिए आप उनकी ज़मीन देख के आप बताइए कि आपको कबूतर कैसे लगे। माशाल्लाह ये देखिए, इसको कुछ मद्रासी भी है क्योंकि किसी के देने वाले कबूतर हैं शायद, भाई बता रहे हैं ऐसे इसको देना है। ये पूरी फीमेल है, तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हम लोग मोनू भाई से पूछ लेते हैं कुछ चंद लफ्ज़। तो मोनू भाई जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आप व्यूवर्स को? सभी को साहब आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, ये शौक प्यार मोहब्बत का शौक है जी, और इसमें भाईचारे का शौक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, शौक में हमने यही सीखा है और देखा है। क्या बात है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नीचे एक सेटअप है मद्रासी वाला, वहाँ चलते हैं, वहाँ से नीचे फिर दुकान का एक व्यू दे देंगे ताकि लोगों को समझ जाए कि इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद में भी ये कैसे कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो चलते हैं नीचे की ओर। तो ये जो है ये गोडाउन है इनका, और ये गोडाउन में इन्होंने अभी फ़िलहाल सेटअप जो है ये स्पेशली फॉर मद्रासी, यहाँ पर ये एक मद्रासियों का सेटअप है, ठीक है। और ये पूरा गोडाउन है यहाँ पे, यहाँ पे सामान है, और उसके नीचे एक और हाँ पूरे रॉ मटेरियल है ये। तो यहाँ पे है मद्रासियों का सेटअप, नीचे अब शोरूम का एक और भी देते हैं। तो ये है भाई मोनू भाई का वो फेवरेट कबूतर जिसके हम बात कर रहे थे ऊपर। मोनू भाई क्यों है फेवरेट ये? देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आज से 4 साल पहले जब मेरे को शौक लगा था। क्या बात है, ये टोंक वाला कबूतर है। तो मैं इसको हाँ बिल्कुल बाहर से लेके आया था, एक जोड़ा लेके आया था मैं, ये मेरी शौकीन और पसंदीदा चीज़ थी। क्या बात है। पूरे जोड़ा आया था और शाम को निकल गया था घर से। हाँ, आपको ये भी बता दूँ मैं। हाँ, और 2 दिन बाद ये वापस छत पे आके मेरे को जोड़ा ही मिला। पूरा जोड़ा वापस आ गया था। इसकी मादी भी है, अभी दी हुई है अशरफ भाई की। अच्छा, गुलाबन है इसकी मादी पूरी। क्या बात है, मतलब इतनी शान पक्की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल घर छोड़ने को राजी नहीं, तो इसको हम भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत देखिए आपका बूटा बहुत बढ़िया, पल्ले देखिए इसका, चौड़ान देखिए पंखों की, बहुत शानदार है, बहुत ही गजब। देखिए पंजे देखिए आप इसके, बहुत शानदार। तो मद्रासी की मतलब वो यहाँ पे होती है बच्चों की? हाँ जी, बच्चों की ब्रीडिंग यहाँ होती है। और सारे देखिए बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं अभी, ये देखिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, और ये बच्चे सारे फिर निकल के जाते हैं ऊपर, ऊपर जाएंगे लॉक में। क्या बात है। और सर ये भी बहुत पुराना कबूतर दिख रहा है आपका, ये भी? हाँ बता चंगेज, पूरा पंख देखिए इसने झाड़ दी, मतलब नीचे डाउन कर दी। इसको सबसे पहले छोड़िए ऊपर आप, यहाँ देखिए पंख देखिए कैसे नीचे गिराएगा अभी ये ऊपर। ये देखिए शाहबाग के बच्चे देखे थे ना जितने भी, वो सब इसी के। क्या बात है, 10-12 साल 18 साल पुराना कबूतर है ये। ओहो हो, क्या बात है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, बहुत शानदार। और फिर उसके बाद ये है मद्रासी, और तो बच्चे देखो कितने तैयार हैं। जी जी जी, बच्चे बहुत तैयार हैं आपके पास, भगवान की कृपा, आपके पास बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, ये इनका मद्रासियों का सेटअप। अब इनके इनका जो बिजनेस है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो स्पेशली हमें इसलिए दिखाना चाहूँगा कि लोग बोलते भाई टाइम नहीं है, कहाँ से उड़ाए, ये करे वो करे, टाइम निकालना पड़ता है कबूतरबाजी। समय तो देखिए, समय तो निकालना पड़ेगा आपको अगर शौक कर रहे हैं आप। जी जी जी, तो ऑलमोस्ट हम लोग 40 मिनट में हम लोगों ने इंटर कर दिया है वीडियो को, हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये है भाई सोनू भाई बर्तन वाले, इनकी शोरूम की फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ से लेके
वहाँ तक। बहुत छोटा कोई शॉप नहीं है ये, बहुत बड़ा मतलब 1000-2000 स्क्वायर फीट का मॉल टाइप है पूरा ये। ये फ्लोर है एक, ये थर्ड फ्लोर की, थर्ड फ्लोर तक पूरा इनका सामान है। ये देख लीजिए यहाँ भी है, यहाँ भी है बर्तन का होलसेल बिजनेस जी। हाँ क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग है राजवाड़ा बर्तन बाजार में। बर्तन का हमारा 24 साल हो गए इस बिजनेस, खानदानी बिजनेस। हाँ जी, हाँ जी। और ये है इनका मेन, यहाँ से होती है एंट्री, यहाँ से शोरूम है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी इतने अच्छे कबूतर परवर है। ठीक है भाई। और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये है सोनू भाई। सोनू भाई के नाम से ये छत हमेशा उड़ती है, तो ये है सोनू भाई। जो सोनू भाई की हम बात कर रहे थे वो यही है। ये सोनू और मोनू दोनों आप साथ में आ जाइए, मास्क निकाल लीजिए। सर मुझे कोरोना नहीं है बिल्कुल 110%। तो ये दोनों ब्रदर है सर, आपकी वीडियो शूट कर ली हमने ऊपर, और सभी लोगों ने देखे अभी आपके कबूतर, और आके कमेंट्स भी आएंगे आपको। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप नहीं थे वहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे कबूतर परवरी के बारे में? सर परसों पुराना शौक है भैया, उसको निभा रहे हैं हम। क्या बात है, प्रथा है जो उसको हम निभाए जा रहे हैं, क्या बात है। तो सोनू भाई जो है हमारे थोड़े शाये हैं, तो ये उनकी शॉप है, मैं बता रहा था जैसे आपको। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय इंदौर।